नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे सैलरी स्लिप के डिटेल को लेकर। डीए में बढ़ोतरी के ऐलान के इंतजार के बीच मोदी सरकार ने 1 अप्रैल से नए श्रम कानून लागू कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो आपको इसका खट्टा मीठा अनुभव जरूर मिलेगा, क्योंकि नए कानून से आपको कुछ फायदे होंगे तो कुछ नुकसान भी। जिस तरह से नियम नए श्रम कानून में बनाए गए हैं उसके मुताबिक आपका भविष्य निधि में अंशदान बढ़ जाएगा, लेकिन हाथ में सैलरी कम आएगी। न्यू वेज कोड बिल संसद में पास हो चुका है, अब इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है। नए श्रम कानून लागू होने पर आपकी सैलरी में बहुत बदलाव होगा। पीएफ ग्रेच्युटी, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और किराए के मकान का भत्ता, सबके आंकड़े बदल जाएंगे। नए श्रम कानून में ये प्रावधान है कि महंगाई, यात्रा और किराए के मकान का भत्ता समेत सभी भत्ते कुल मिलाकर 50% से ज़्यादा नहीं होंगे। यानी कि आपकी CTC 20,000 रुपये की है तो भत्ते मिलाकर 10,000 से ज़्यादा नहीं होंगे। नए नियमों के अनुसार आपकी CTC में मूल वेतन का हिस्सा 50% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर अभी आपकी सैलरी डिटेल में मूल वेतन 50% से कम है तो ये जल्द ही बदलने जा रहा है। नए नियम लागू होने पर आपके मूल वेतन के साथ साथ आपकी CTC में भी इजाफा हो सकता है। नए नियम कानून होने पर आपकी टेक होम सैलरी घट सकती है, क्योंकि जब मूल वेतन 50% तक होगा प्लस 12 यानी कि 24% हिस्सा आपके PF खाते में चला जाएगा। CTC का नियम लागू होने के बाद अब ज़्यादातर कंपनी अपने PF का अंशदान 12% कर्मचारियों के CTC से भी काटेगी। मौजूदा नियम के अनुसार अभी आपके मूल वेतन से 12% हिस्सा PF में जाता है। जब मूल वेतन CTC का 50% हो जाएगा तो PF में अंशदान भी बढ़ जाएगा। 20,000 की CTC होने पर 10,000 रुपये मूल वेतन होगा और इसका 12% यानी कि 1,200 रुपये PF खाते में जाएंगे। नए श्रम कानून में ग्रेच्युटी के साथ नियम बनाए गए हैं। अभी कर्मचारियों को एक ही कंपनी में 5 साल की लगातार नौकरी के बाद ग्रेच्युटी का हक है, लेकिन नए कानून में 1 साल तक नौकरी करने के बाद कर्मचारी ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। आज़ादी के बाद जो श्रम कानून बनाए गए थे उसमें पहली बार कोई सरकार बदलाव करने जा रही है। समय की मांग को देखते हुए सरकार उन्हें जायज ठहरा रही है। सरकार का दावा है कि नए श्रम कानून में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का ख्याल रखा गया है। नए श्रम कानून के तहत यदि कर्मचारी निर्धारित समय में 15 मिनट ज़्यादा काम करते हैं तो वह ओवरटाइम के पात्र माने जाएंगे। वर्तमान नियमों के मुताबिक निर्धारित समय से आधा घंटा अधिक काम करने पर कर्मचारियों को ओवरटाइम का पात्र माना जाता था, जिसे अब 15 मिनट तक कर दिया गया है। हफ्ते में 3 दिन की छुट्टियों का है प्रस्ताव। नए श्रम कानून के तहत कर्मचारियों को हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे का काम करने की सुविधा मिल सकती है। प्रस्ताव के तहत अगर कोई कर्मचारी 4 दिनों में ही 48 घंटे काम कर लेता है तो उसे हफ्ते में 3 दिन की छुट्टियां दी जा सकती है। हालांकि इसके लिए कर्मचारी को अपने काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 करने होंगे। अभी के नियम के अनुसार काम के घंटे 8 हैं और इस तरह हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता है। इससे पहले हमने देखा था कि बैंक और सरकारी संस्थानों में 2 तरह के बदलाव किए थे। एक तो सप्ताह में 2रे दिन और 4थे शनिवार को छुट्टी दी गई थी। इसके साथ ही सप्ताह में 5 दिन का कार्य दिवस बनाया गया था। इसमें कार्य करने के समय सीमा को बढ़ा दिया गया था। इस नियम को लागू करते हुए सरकार ने पर्यावरण संतुलन का हवाला दिया था। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।